सोशल मीडिया पे समय बिताने के कारण कई लोग अब किताबें पढ़ना कम कर चुके हैं। परेशान प्रकाशकों ने सोचा कि क्यों ना डिजिटल दुनिया के सितारों के नाम पर ही कुछ किताबें बेची जाएं, और अब वे YouTube स्टार्स की किताबें छापने में खूब दिलचस्पी लेने लगे हैं। पीटर श्मिट्स की कमाई YouTube वीडियो से होती है। पिछले 4 साल से वो कंप्यूटर गेम्स के दौरान फिल्म बनाते हैं। वे तथा कथित लेटेस्ट प्लेयर हैं। 4 दोस्तों के साथ उन्होंने पीट श्मिट कलेक्टिव बनाया है। हर दिन वो 4 से 5 क्लिप YouTube पर पोस्ट करते हैं। इस बीच उनके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं और इसके साथ ही वो जर्मनी के सबसे कामयाब यूट्यूबरों में शामिल हो गए हैं। ये 5 दोस्त इसके अलावा 2 और वीडियो चैनल चलाते हैं और अब वो एक लेखक के साथ मिलकर अपनी पहली किताब ला रहे हैं। मैं थोड़ा झिझक रहा था जब मुझसे कहा गया कि किताब क्यों नहीं लिखते। मैंने सोचा हम भी तो नहीं पढ़ते, फिर किताब क्यों लिखी जाए। लेकिन फिर ये सवाल उठा कि अगर तुम्हारे ऊपर किताब लिखी जाती हो तो कैसा महसूस होगा? मजेदार होगा। दुनिया के सबसे मशहूर लेटेस्ट प्लेयर स्वीडन के प्यूडीपाई ने 2015 में किताब लिखी। सिर्फ एक हफ्ते में जर्मनी में ही 10,000 से ज्यादा कॉपियां बिक गईं। इससे भी बड़ी कामयाबी ब्लॉगर जोई सक को मिली। उनके पहले ही उपन्यास की पहले ही हफ्ते में 80,000 प्रतियां बिक गईं। जर्मन यूट्यूबर भी किताब के मामले में सफल हैं। योनास एम्स और कॉमेडियन YTT की किताबें प्रमुख पत्रिका डे स्पीगल की बेस्ट सेलर लिस्ट में पहुंची। यान्ड्रीज का कहना है कि स्टार फैक्टर्स का ज्यादा फायदा होता है। हर वो चीज जिसकी जिल्द हो और पन्ने हो हमारे लिए किताब नहीं होती, जो किसी भी प्रकार से प्रासंगिक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब कोई YouTube स्टार एक अच्छी किताब लिखता है तो हम उत्सुक नहीं होते। YouTube स्टार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप लिख नहीं सकते। कौन यूट्यूबर कितना लिख रहा है ये हर मामले में अलग है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ज्यादातर किताबें व्यंग्यात्मक रूप से जिंदगी में मदद देने वाले मुद्दों पर होती हैं। अक्सर टेक्स्ट लिखने का काम छद्म लेखक करते हैं, लेकिन वो कहानी को पिरोने के लिए यूट्यूब फैक्टर का सहारा लेते हैं। अपनी किताब टोटल गैम्बल्ड में पीट श्मिट ने लेटेस्ट प्लेयर से जुड़े माहौल की तस्वीर दी है। किताब लिखने के बावजूद पीटर ने किताबें पढ़ना शुरू नहीं किया है, पढ़ते भी हैं तो सिर्फ स्मार्टफोन पर।